एलएसडेन सम में प्रश्नावली 3O पे है और कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि मैं क्या सिद्ध करना है। 7 नंबर से देख रहे हैं, बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इक्वल टू में टेन ए बाई टू इंटू टेन बी माइनस सी बाई टू, या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। एक्चुअल में किया क्या है कि टेन ए बाई टू को इधर भेज दिया है, तो 1 बाई 10 a/2 होगा, 1 बाई 10 है तो यानी कि कॉट हो जाएगा। तो वही ये इसको प्रूव करिए, इसको प्रूव करिए, एक ही बात होगी। हम लोग साइन फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई में साइन सी। अच्छा, इसको इक्वल में हम लोग के सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू के साइन ए, बी का वैल्यू के साइन बी और सी का वैल्यू हो जाएगा के साइन सी, यही ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका एल एच एस लेते हैं, बी माइनस सी और बाई में बी प्लस सी, यानी आ जाएगा यहाँ पर के साइन बी माइनस का के साइन सी बाई में के साइन बी और प्लस का के साइन सी। के कॉमन करके कट जाएगा, ऊपर साइन बी माइनस का साइन सी बाई नीचे साइन बी और प्लस का साइन सी। ऊपर नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं, ऊपर देखिए साइन सी माइनस साइन डी वाला लगेगा, ठीक है। तो 2 cos बी प्लस सी बाई टू, अच्छा, और इंटू में साइन बी माइनस सी बाई टू, इसका क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी का 2 sin सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कि बी माइनस सी बाई टू, 2 से 2 काट देना होगा, ये आपका हो जाएगा कॉट बी प्लस सी बाई टू, और ये हो जाएगा टेन बी माइनस सी बाई टू। ये तो ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना जी, हमें ये आंसर में नहीं दिया कहीं। चलिए अब इसको देखिए, कॉट तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो बी प्लस सी को आप 180 माइनस का ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पाई होगा यानी 180 होगा, टेन बी माइनस सी बाई टू। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, कॉट 90 माइनस का ए बाई टू और इंटू में टेन बी माइनस सी बाई टू, कॉट 90 माइनस सी 10 हो जाता है, तो ये टेन ए बाई टू हो जाएगा इंटू में टेन बी माइनस सी बाई, यही हमें लाना था प्रूव करके ना, हमारा आंसर आ गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर, त्रिभुज ए बी सी के लिए इसे सिद्ध करना है, इसका एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में दिया 1 माइनस का टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, अच्छा 1 माइनस टेन ए बाई टू का फॉर्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी बाई में एस इंटू में एस माइनस ए, और टेन सी बाई टेन बी बाई टू के लिए रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस का सी और बाई में आपका ए सी, सॉरी एस माइनस एस इंटू में एस माइनस का ए, ऐसे होता है, सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर, यहाँ पर एस माइनस का बी होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद देखिए इसमें कटने वाले, देखिए एस माइनस बी से एस माइनस बी कट जाएगा, एस माइनस ए से एस माइनस ए कट जाएगा, 1 माइनस एस माइनस सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों माइन इंटू में है और रूट लगा हुआ है, तो एस माइनस सी सिर्फ बचेगा और बट्टा में नीचे एस बचेगा। एलसीएम ले लेते हैं, एस माइनस एस और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो सी बाई एस आ जाएगा। तो ये हमने तो दिखा दिया, हमें इसके इक्वल भी दिखाना है, तो एक काम करते हैं सी बाई एस का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना जी, तो आ जाएगा कि नहीं 2c/a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी हो जाएगा और इसके भी इक्वल हो जाएगा, दोनों के इक्वल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, त्रिभुज एबीसी के लिए यहाँ सिद्ध करना है कि 1 - 10b/2 - 10c/2 इक्वल होगा 2a/a + b+c, इसका एलएचएस ले लो, 1 माइनस का टेन बी बाई टू इंटू में टेन सी बाई टू, 1 माइनस का टेन बी बाई टू के लिए बात करें, यहाँ रूट अंडर एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए
बटा में एस इंटू में एस माइनस बी। और टेन सी बाई टू के लिए बात करें तो यह हो जाएगा आपका एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और बाई में एस इंटू में एस माइनस का सी। एस माइनस सी से एस माइनस सी कट गया, एस माइनस बी से एस माइनस बी कट गया, वन माइनस का ऊपर क्या हो जाएगा एस माइनस ए और बाई में एस, एस एलसीएम हो जाएगा, एस माइनस का एस प्लस ए आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ए बाई एस, एस क्या है अर्ध परिमाप है यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल और बटा में दो, दो ऊपर चला जाएगा, तो टू ए बाई में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यही नाम है आरएचएस में लगा था, हमने ला दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, त्रिभुज एबीसी के लिए इसे सिद्ध करें, इसका आरएचएस ले लेंगे। कॉट ए बाई टू इंटू में कॉट बी बाई टू, तो कॉट ए बाई टू के लिए क्या हो जाएगा, कॉट ए बाई टू के लिए हो जाएगा रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए बाई में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। और कॉट बी बाई टू के लिए, कॉट बी बाई टू के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस इंटू में एस माइनस बी बाई में एस माइनस का सी एस माइनस का ए। एस माइनस एस एस माइनस ए एस माइनस बी से एस माइनस बी, ऊपर एस आ जाएगा नीचे एस माइनस सी आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एस जो होगा तीनों भुजा का योगफल और बटा दो अर्ध परिमाप, और ये एस ए प्लस बी प्लस सी बटा दो माइनस सी, ऊपर वैसे ही रहने दो ए प्लस बी प्लस सी और बटा दो, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा टू आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का टू सी, ये से कट जाना है। ऊपर आ गया ए प्लस बी प्लस सी और नीचे देखिए ए प्लस बी और माइनस का सी, आपका एलएचएस आ गया कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, त्रिभुज एबीसी के लिए इसे सिद्ध करना है, तो इसके एलएचएस ले लेते हैं, इसे एस के इक्वल में दिखाना है। बी इंटू में कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस का सी इंटू में कॉस स्क्वायर बी बाई टू। चलिए तो यहाँ पे बी कॉस सी बाई टू के लिए अगर बात करेंगे तो कॉस सी बाई टू के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका रूट अंडर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस का सी और बटा में ए बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी कॉस बी बाई टू के लिए, कॉस में बी बाई टू के लिए रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस का बी और बटा में आपका ए सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी इंटू में आ जाएगा आपका एस इंटू में एस माइनस सी और बटा में आपका ए बी, सी इंटू में एस इंटू में एस माइनस बी और बटा में ए सी, सी से सी गया यहाँ बी से बी गया, एलसीएम ए हो जाएगा, ए हो जाएगा एलसीएम, तो आ जाएगा एस कॉमन भी ऊपर कर लेते हैं एस माइनस सी और प्लस में एस माइनस। एस यहाँ पे मैं जो प्रूफ करना उसको एक बार देखो ना, एस के इक्वल दिखाना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अंदर देखिए दो को एस है तो दो एस आपका ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, और बाकी में सी माइनस बी है ही, तो बी से बी गया सी से सी गया, एस इंटू ए बाई में ए कट गया, एस आ गया, हमें आर एच एस में ही ना लाना था, हमने ला दिया। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी के लिए हमें दिखा रहा है कि एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू इक्वल होगा एस माइनस बी इंटू में टेन बी बाई टू और एस माइनस सी इंटू में टेन सी बाई टू, एक एक करके सबको लेते हैं। एस माइनस ए इंटू में टेन ए बाई टू के लिए रूट अंडर एस माइनस का बी एस माइनस का सी और बाई में आपका एस इंटू में एस माइनस ए, इससे इसको काटेगा ना तो ये रूट में एक एस माइनस ए आ जाएगा, यानी कि इसमें देखोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और बटा में एस। फिर उसी तरह से अगर इसका एस माइनस बी इंटू में टेन बी बाई टू ले लें तो एस माइनस बी इंटू में टेन बी बाई टू के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ टेन बी बाई टू के लिए आपका हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस सी इंटू में एस माइनस का ए बटा में एस इंटू में एस माइनस बी, ये रूट में एक ही से कटेगा तो रूट एस माइनस बी बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये आपका क्या एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी और बाई में वही आपका एस। देखिए एस माइनस का सी टेन सी बाई टू के लिए,
एस माइनस सी इंटू में रूट अंडर एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी और वाई में एस इंटू में एस माइनस का सी। यहाँ एस माइनस सी से एस माइनस सी काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा, देखो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और बटा में आपका एस हो जाएगा। तो देखो तो हर एक कंडीशन में सेम ही आ रहा है कि नहीं, देयरफॉर कह सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कि एस माइनस ए इंटू में टेन ए बाई टू इक्वल होगा एस माइनस का बी इंटू में टेन बी बाई टू और इक्वल होगा एस माइनस का सी इंटू में टेन सी बाई टू, तीनों इक्वल हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट देखें 13 नंबर है कि हम लोग इसका आर एच एस ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस का ए प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, इसको तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस का, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू और माइनस का टू ए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू और प्लस का टू ए बी साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो इसको और इसको एक साथ लेते हैं, इसमें से कॉमन कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। अच्छा इसमें और इसमें टू ए बी कॉमन है, माइनस का टू ए बी कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई टू आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसका तो वैल्यू वन हो जाएगा यानी बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई में टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे, हमें सी स्क्वायर के इक्वल में दिखा रहा था, हमारा एल एच एस आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, यहाँ कह रहा है त्रिभुज एबीसी के लिए इसे प्रूव करें, इसका एल एच एस ले लेते हैं। दिया है 1 बाई ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 1 बाई बी कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस का 1 बाई सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू, फिर सबके लिए फॉर्मूला था 1 बाई ए कॉस ए बाई टू के लिए यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए बाई में बी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 बाई बी, यहाँ पे कॉस बी बाई टू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस बी और बाई में आपका यहाँ ए सी हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 बाई सी कॉस सी बाई टू के लिए रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस का सी और बाई में ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं। तो ऊपर देखिए एस इंटू में एस माइनस ए बाई में ए बी सी एस माइनस बी बाई में ए बी सी एस माइ एस इंटू एस माइनस सी और बाई में ए बी सी, तीनों का एलसीएम ए बी सी होगा और ऊपर से एस कॉमन भी हो जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी और प्लस एस माइनस सी बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस या एस एस और एस तीन गो एस है तो एक काम करो टू एस लिख दो और माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस सी और फिर प्लस का एक एस लिख दो, क्योंकि टू एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है, टू एस किसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। चलिए एस इंटू में ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस का एस बाई में ए बी सी, ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका एस स्क्वायर और बाई में ए बी सी, हमें जो प्रूफ करना था उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई फोर ए बी सी करना है, एक काम करते हैं इसके अकॉर्डिंग एस का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर और बाई में ए बी सी है ही,
ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4ABC। यही ना हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसे हमें 0 के इक्वल में यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसका LHS ले लेते हैं। दिया है बी माइनस सी बाई ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू, सी माइनस ए बाई बी कॉस स्क्वायर बी बाई टू, फिर ए माइनस बी बाई सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इनके फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। बी माइनस सी बाई टू, अच्छा कॉस ए का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस का ए बाई में बी सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सी माइनस ए बाई बी कॉस बी बाई टू के लिए रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस का बी और बाई में आपका ए सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ए माइनस बी बाई सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस सी बाई टू के लिए एस इंटू रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस का सी और बाई में ए बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब आगे इसे देखते हैं क्या होता है, ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा एस इंटू एस माइनस का ए, और यहाँ पे ये बी माइनस सी बच जाएगा, यहाँ बी सी है और नीचे यहाँ ए था ना, तो ए बी सी हो जाएगा। मैं सजा के लिख दे रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस का बी इंटू में सी माइनस ए बाई में ए बी सी, एस इंटू एस माइनस सी इंटू में ए माइनस बी और बाई में आपका ए बी सी। देखिए हर एक जगह से यहाँ पे एस बाई में ए बी सी कॉमन हो जाएगा, या एस माइनस ए इंटू में बी माइनस सी, एस माइनस का बी इंटू में एस माइनस सी माइनस का ए, एस माइनस सी इंटू में ए माइनस का बी। चलिए अब इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एस बाई में ए बी सी इक्वल इंटू में, यहाँ देखिए यहाँ पे एस बी माइनस का एस सी माइनस का ए बी प्लस का सी है, एस सी माइनस का एस ए माइनस का बी सी और प्लस का ए बी, एस ए माइनस का एस बी माइनस का सी ए और प्लस का यहाँ बी सी। एस ए से ऐसे गया एस बी से आपका एस बी प्लस माइनस में, एस सी से एस सी देखो कहाँ है ये रहा, अच्छा माइनस ए बी से प्लस ए बी माइनस सी ए से प्लस सी, प्लस सी ए कट गया माइनस बी सी से प्लस बी सी, है ना जी। यहाँ पे एस बाई में ए बी सी और इंटू में 0, तो 0 ना आ जाएगा जी, तो हमारे एच एस में यही लाना था। तो एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।